सूरज पाल को उसके अनुयायी भोले बाबा या नारायण हरि सरकार के नाम से भी पुकारते हैं। उसने हाथरस भगदड़ के बाद 4 फोन कॉल की और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। जांच में शामिल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूरज पाल ने 2 जुलाई को इस कार्यक्रम के आयोजकों से 4 बार बात की थी। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ये पता चला कि बाबा ने 2 जुलाई की दोपहर 1:55 पर भगदड़ के बाद कार्यक्रम में आयोजकों से 4 बार बात की थी। उसका मोबाइल फोन मैनपुरी फार्म हाउस के पास 4:30 बजे बंद हो गया। अधिकारी ने कहा, मामले में गिरफ्तार 6 लोगों ने इस आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। 80,000 लोगों की अनुमति सीमा थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। कॉल रिकॉर्ड से जुड़े विवरण से परिचित लोगों ने बताया कि पाल ने सबसे पहले मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर से बात की थी, जो इस मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है। उसने शुक्रवार को दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया था। नाम नहीं बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि मधुकर ने दोपहर 2:48 पर पाल को कॉल किया और दोनों के बीच 2:17 तक बात हुई थी। बाकी 3 कॉल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच की गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरी कॉल बाबा ने महेश चंद्र नाम के व्यक्ति को की। ये कॉल पूरे 3 मिनट चली। फिर बाबा ने तीसरी कॉल 40 सेकंड तक संजू को की और आखिरी कॉल रंजना नाम की महिला को की, जो पूरे 11 मिनट तक चली। भगदड़ वाली जगह पर लगे बैनर से पता लगता है कि महेश चंद्र और संजू यादव सत्संग के आयोजकों में शामिल थे। मंगलवार दोपहर को हुई भगदड़ में करीब 125 लोगों से ज़्यादा की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं। यह कार्यक्रम फुलारी मुगलगढ़ी के एक मैदान में आयोजित किया गया था। ये जगह दिल्ली की सीमा से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये भगदड़ भारत में 2008 के बाद सबसे बड़ी घटना है, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।